मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार EVRH न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये अहम खबर। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. आपका फायरिंग हुआ है, उसमें एक जोजो नाम का बदमाश है, एक रईस नाम का बदमाश है, जो सगा यामिन का भाई है प्रत्याशी का, वहाँ अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता थे उन लोगों के, ऐसे वेपन के साथ थे, अनलीगल वेपन के साथ थे। हम पे हमारे लोगों ने हमें कोल्ले भर के निकाला है, कुछ लोगों का चोट भी आई है, हमारे देखो यहाँ चोट है, घुटनों में चोट है, ऊपर पीठ पे चोट है। हम गुजारिश करेंगे यहाँ पे अपने सभी आला अधिकारियों से, अपने पार्टी के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि MIM की सपोर्ट में आए और इनको उनको जवाब दें मुंह तोड़ कि MIM के प्रत्याशी पे हमला करने का मकसद क्या होता है। हम हक की आवाज़ के लिए उठे हैं, अपनी बहनों की अजमत की हिफाजत करने को उठे हैं। आज हम पे हमला हो गया, क्या इस देश का क्या होगा आखिर को? ऐसे क्रिमिनलों के हाथ में आप इलेक्शन देंगे, चुनाव देंगे, मुद्दे देंगे, आखिरकार हमारा क्या होगा? जैसा कि जनता से पता चल रहा है कि वहाँ के लोग आपके साथ हैं और आप जो जिस तरीके से उनकी जो मूल समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं और लगातार उन पर जो जुल्म हुआ है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं, क्या ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आज हम लोग लोगों के प्यार के अनुसार वहाँ गए थे, पिछले चार दिन से खबरें आ रही थी आप कसाई वाले में आइए, आपकी बिरादर का मसला है। हमने कहा नहीं, हमें आएंगे बाद में। आज हम वहाँ गए उनके प्यार के मुताबिक, उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया था जनसंपर्क में, हम उनसे हाथ मिलाते हुए निकल लेते। अब पता नहीं सर हम क्या कह सकते। जैसा कि बुलंदशहर में ये जो पूरे एक हवा बनी पड़ी है कि रावण ने हमला कराया है, ऐसी है प्रत्याशी का भाई रईस बदमाश है, हिस्ट्री शीटर, आज से पहले कई 300 के मुकदमे रह चुके हैं, उद्योगपति होने के कारण सब रद्द कर दिए गए हैं। जो जो नाम का आदमी आज भी हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है, उसके साथ अन्य बहुत बड़ा बदमाश है, पूरे उत्तर प्रदेश के इतने बदमाश उतरे हुए हैं यहाँ पे आज। विकास SSP साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय SSP साहब जांच कीजिए, पूरे क्रिमिनलों की लोबी उतर चुकी है यहाँ पर। बुलंद शहर के अंदर 1000 क्रिमिनल लाए गए हैं बाहर से, रईस का नेटवर्क क्रिमिनलों का है। मैं आपसे बार बार पूरी मीडिया से कह चुका हूँ कि क्रिमिनलों के लोगों के बीच में रक्षा हो रहा है, मेरी जान माल को खतरा है। ये लोग उद्योगपति भी हैं, ये मीट इंडस्ट्रीज के मालिक है मदीना के नाम से, इनको अपनी दौलत का घमंड है। आज MIM के प्रत्याशी पे हमला किया है, कल जान ले लेंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग मेरी जान माल की हिफाजत में साथ आए। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप मेरा साथ दें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। मैं अपने कायद अपने अमीर की लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूं, अपनी बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूं। आज मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे जान से ही मार देंगे तो इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूंगा। आप लोगों से मेरी दुआ की अपील है। आपने बताया कि फायरिंग भी लोगों ने किया था आपके ऊपर? जी फायरिंग हुआ सर, वहां से मैं जब निकल, वहां से मेरे कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। किस पार्टी के लोग थे? आजाद समाज पार्टी के, रावण पार्टी के लोग थे। क्या वो कैंडिडेट भी साथ में था? कैंडिडेट का जो भाई है रईस, जो पुराना हिस्ट्री शेटर रिया खुर्जे का आज भी है, जो था, अन्य और भी बदमाश है जिनको मैं जानता हूँ, फोटो है मेरे पास में, जो टॉप 10 बदमाश है वो सब यहाँ आए हुए हैं। बार बार वो हम पे गाली गुस्ता करता है, लेकिन हम वहाँ से निकलने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा इसे जान से मार दो। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह MIM के प्रत्याशी को दुआएं लगी हुई है, जो हम वहाँ से निकल आए। आप हमारी हालत देख सकते हैं कि हमारे हालत लोगों से क्या किया। हम आप लोगों के माध्यम से SSP साहब से कहना चाहते हैं कि बार बार मीडिया के जरिए हम कह रहे हैं, नॉमिनेशन वाले दिन कहा कि हमारी जान को खतरा है, ये लोग हमें पसंद नहीं करते, ये MIM का यहाँ परचम लहराना था, रुका रहे हम लोगों को। आज हमला किया है, जान से मारने की धमकी, तरह वजह हमारे ऑफिस पे यहाँ कार्यकर्ताओं तंग करना, परेशान करना। हमारी अपील है SSP साहब से कि इन बदमाशों की जाँच की जाए, गुलाम घूम रहे हैं लोग। आपने SSP से बात किया? जी मैंने अभी कॉल लगाई जस्ट 2 मिनट पहले, SSP साहब ने कहा कोतवाल साहब पहुंचे नहीं गया, मैं अपने कार्यालय पर आ चुका हूँ, जंगल के रास्ते से निकल के, लोग मेरे पीछे भागे हैं बहुत सारे, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चोटें भी आई है क्या? जी मेरे चोटें आई है, मेरे हाथ में चोट है कुछ, यहाँ मेरे डंडा मारा किसी ने, यहाँ पे भी देखो जरा, मेरी कमर में चोट है, घुटनों में चोट है, देखो ये रही, शायद अंदर है ये सब चीजें किसटे हैं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है वहां से आ गया, आप लोगों की दुआओं से उनके हाथ से निकल के भागा वहां से मैं। क्या लग रहा है ये लोग खौफजदा हैं आपसे? ये लोग ये खौफजदा हैं कि हमारी पार्टी का परचम बढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है हम इलेक्शन जीत रहे हैं 1-1, इन लोगों की नींदें उड़ी पड़ी थी, इसलिए हम पे जानलेवा हमला कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी कर उन्होंने बदतमीजी की थी, आज इन लोगों ने ऐसा हमला किया है तो हम क्या कर सकते हैं इस पोजिशन में, बताइए। अल्लाह का शुक्र हमारा इलेक्शन बढ़िया चल रहा है, हम सब लोग शरीफ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। ये कतपे समाचार चैनलों पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद पर हमले की बात और फायरिंग की बात चलाई जा रही है, जो किसी भी तरह से अभी तक पुष्टिकारक नहीं है। हाँ यह है कि आज आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन और MIM के प्रत्याशी दिलसाद, ये दोनों लोग चुनाव प्रचार में रुकनसराय कोतवाली नगर बुलंदशहर में गए थे, जहां इनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में गाली गलौज की सूचना थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई, दोनों पक्ष वहाँ से हट गए थे। फिलहाल दोनों पक्षों से बात की जा रही है, अगर कोई तहरीर देते हैं तो तदनुसार अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जहां तक हमले की बात है,
अब तक इस संबंध में कोई पुष्टिकारक बात जानकारी नहीं आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।